स्वागत है आप सबका शिवा एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर के। तो बीएड और बीटीसी के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से एनसीटीई के जून 2018 के नोटिफिकेशन को रद्द करने के बाद से सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर को लेकर एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई थी कल। इस बैठक के अंदर क्या क्या निर्णय देखने के लिए मिले, कौन कौन से ऐसे मुद्दे थे जिनको लेकर विचार विमर्श हुआ, और साथ ही साथ आज की कई बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर जो ऑथेंटिक अपडेट है वो आपको दी जाएगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आप लोगों को रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए बात करते हैं जो बैठक हुआ है, इस बैठक के विषय में क्या क्या फैसले लिए गए हैं, क्या क्या चीजें हुई हैं उनसे संबंधित। तो चलिए समझते हैं। यहां पर देखिए, ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें इस बैठक के विषय में, तो एनसीटीई के अधिकारियों के साथ साथ में कई एडवोकेट पैनल के अधिवक्ता भी मौजूद रहे, जो बीएड और बीटीसी मामले के सुनवाई के दौरान भी वहां पर मौजूद थे। तो ऐसे में क्या क्या चीजें हुई, आइए उनको समझते हैं। देखिए, कल आप लोगों ने देखा होगा, सबसे पहली बात तो हम करें कि कल ट्विटर पर एक अभियान चलाया गया था हमारे बीएड साथियों के द्वारा, और वो ट्विटर अभियान आपका फर्स्ट नंबर पर रैंक कर रहा था। ठीक है, फर्स्ट नंबर पर रैंक कर रहा था, जिसकी वजह से इसमें आपका एनसीटीई और जो आपका केंद्र सरकार है वो भी इसमें इस पर उसकी निगाह गई, और उसने देखा कि हाँ, ये सारी चीजें हो रही हैं, बीएड वाले अभ्यर्थी जो हैं वो बहुत परेशान हैं। तो एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई, और उस आपातकालीन बैठक में मैं आपको बताना चाहूंगा सीधा स्पष्ट तौर पर, ज्यादा बातें नहीं लेकिन कम शब्दों में ही ज्यादा चीज समझाने के प्रयास करूंगा। देखो, आप लोग बात कर रहे हो कि अध्यादेश, ठीक है, अध्यादेश के बारे में, ठीक है, तो अध्यादेश से संबंधित ऐसी कोई भी बातें नहीं हुई। बात किसकी हुई है, बात हुई है आपके रिव्यू पिटीशन की। ठीक है, रिव्यू पिटीशन की बात हुई है, और रिव्यू पिटीशन के लिए एनसीटीई जा सकती है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, और बात यह हुई है कि जो एडवोकेट पैनल के वहां पे सीनियर एडवोकेट वगैरह मौजूद थे, उनसे बात हुई है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसके अगेंस्ट में, मतलब कौन से ऐसे नियम कानून बनाया जाए जिससे सारी चीजों को सॉल्व किया जा सके, जो बीएड का मामला है। भाई, बीएड प्राथमिक में एनसीटीई शामिल की थी, लेकिन दिक्कत क्या हुआ था कि एनसीटीई जब ये नियम कानून बना रही थी, तो उस समय एनसीटीई के, सीबीएसई के, और मतलब तमाम अधिकारियों के बातचीत हुई थी, और उसी के आधार पर उसने 2018 में अपना वो राजपत्र प्रस्तुत कर दिया था। लेकिन अब उसमें क्या कमियां हैं उसको सुधार की जाएंगी, उसमें कुछ चीज़ों को मतलब जो त्रुटियां हैं उसकी सुधार करके उसको फिर से प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है, तो बीएड वाले छात्रों को घबराने के लिए कोई जरूरत नहीं है। आपको बता दें, एक चीज और खबर निकल के आ रही है, ये बात तो रही कि कल जो है, कल बातें हुई है अध्यादेश से संबंधित, अभी ऐसी कोई, देखो जो जानकारी निकल के आ रही है आधिकारिक तौर पे, वो यही है कि अभी तक कोई अध्यादेश संबंधित ऐसी चीजें नहीं की गई हैं, और रिव्यू पिटीशन के लिए कल बातें की गई थी जो आपातकालीन बैठक बुलाई गई थी। लेकिन याद रखिएगा, बात करें अगर हम इसमें, तो ध्यान दीजिएगा, जो लोग कह रहे हैं कि भैया सीटेट की मार्कशीट को जो आपका सीटेट है, सीबीएसई बोर्ड है, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड ने रद्द कर दिया है, तो ये अफवाह है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एकदम सरासर भ्रामक खबर है। अभी भी आप जाकर देखिए, तो आप डिजी लॉकर पे जाइएगा तो आपकी मार्कशीट अभी भी डाउनलोड हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है, इस अफवाहों से बच के रहें। देखो, एक चीज यही बहुत बुरा लगता है कि भाई, जब बीटीसी वाले भाई जो हमारे जीत गए हैं, तो जीत को जाहिर करना, मनाना, वो उनका काम है, ठीक है, मनाइए, लेकिन किसी को पर्टिकुलर टारगेट करके अपनी खुशी को नहीं मनाते हैं। तो बीएड वालों को टारगेट ना कीजिए, क्योंकि हम सभी लोग एक ही परिवार के सदस्य हैं, क्योंकि शिक्षक बनने की दौड़ में हम सभी लोग साथ में रहे हैं, तो ऐसे बिल्कुल मत करिए। चलिए बात करें सीटेट के, और दूसरा जो मेन मुद्दा है भैया, आपका बिहार शिक्षक भर्ती,
बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित जो है, जो बिहार टीचर रिक्रूटमेंट है, उसमें अभी तक ऐसा बिहार सरकार के द्वारा कुछ भी नहीं। उन्होंने कहा कि हम बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल करेंगे ब्रिज कोर्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, एनसीटीई के अकॉर्डिंग जो ब्रिज कोर्स की बातें की गई हैं उसके अकॉर्डिंग हम बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल करेंगे। तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो बीएड के अगेंस्ट जा रहा हो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको जान करके इतना आपको पैनिक नहीं होना है, क्योंकि आपके अगेंस्ट अभी सारी चीज़ें नहीं है। अभी मैदान में सभी चीज़ें हैं, कोई मैदान छोड़ के नहीं गया है। तो आप सभी लोग धैर्य बनाइए, आज संडे है, कल आपको कुछ न कुछ इस पे ऑथेंटिक जानकारी आपको शाम तक मिल जाएगी और इसी चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो मिलेंगे आपसे तब तक के लिए कल शाम को, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा पल पल की अपडेट पाने के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।